हेलो दोस्तों, साथी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धनी सुपर सेवर कार्ड में जो 5% कैशबैक का फंडा बता रहे, ये क्या है, हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, क्या हमने इसको एक्टिवेट करके यूज़ करना चाहिए, हमारे लिए इससे क्या फ़ायदा होगा या फिर क्या नुकसान है, इसका पूरा फंडा क्या है, आज के इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलेगा। पूरा जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिएगा। उसके लिए आपको यहाँ पे होम पेज में धनी सुपर सेवर कार्ड का बैनर दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में अंदर इस तरह से दिखेगा और यहाँ पे रिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद में अंदर पहुँच जाएंगे इस तरह से। अभी यहाँ पे सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान और प्लेटिनियम प्लान करके तीनों प्लान शो हो रहा है और इसमें क्या क्या बता रहा है यहाँ पे देखिए। इसका थोड़ा फंडा अलग है, इसमें 5% कैशबैक है बट इसमें आपको बहुत लिमिट से कैशबैक दिया है, यहाँ पे बहुत लिमिट किया है। मतलब कि आपको ये 100 वाला सिल्वर प्लान लेंगे तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा और 250 वाला प्लान को एक्टिवेट करते हैं तो आप उसमें कितना आपको बेनिफिट मिलेगा और 350 वाला प्लान को एक्टिवेट करते हैं तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा इसमें। तो इसमें क्या है कि देखिए, पूरा हम लोग को घुमा फिरा के बात करके यहाँ पर पैसा लूटने का खेल कर रहा है। अभी जो हम लोग ने 100 वाला जो सिल्वर प्लान को एक्टिवेट करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 2500 तक का 2500 तक का खर्चा करते हैं तो उसमें 5% के उसमें हमारे लिए सिर्फ 125 कैशबैक मिलेगा। और दूसरा गोल्ड में इसमें हम लोग को 200 रुपीज़ पे करना है 1 मंथ के लिए और इसमें आपको 5000 तक का इससे स्पेंड करते खर्च करते हैं तो 5000 तक में 5% का कैशबैक मिलेगा, उसमें टोटल 250 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा सिर्फ। और इसमें जो तीसरा वाला है 350 वाला प्लेटिनियम प्लान, इसको हम लोग ने एक्टिवेट करके यूज़ करते हैं तो इसमें 10,000 तक का 10,000 तक का सभी पर 5% का जो कैशबैक मिलता है उसमें 500 मिलता है इसमें सिर्फ। इस तरह से ये दे रहा है, लेकिन इसमें हमारे लिए फ़ायदा क्या है देखिए। इसमें जो भी हमारे लिए जो 100 वाला फर्स्ट वाला मिनिमम वाला सिल्वर प्लान को एक्टिवेट करते हम लोग ने तो इसमें हम लोग को 125 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा बट इसमें 100 रुपीज़ तो हमने इसको पे कर रहा है, फिर हमारे लिए कितना फ़ायदा हो गया, सिर्फ 25 रुपीज़ फ़ायदा हो गया। ये धनी वाले इसको किस तरह से अप्लाई कर रहा है कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है। और ये गोल्ड में भी आपको वही 200 रुपीज़ तो हम लोग को पे करना है और इसमें हमारे लिए बेनिफिट कितना हो गया, 50 रुपीज़ हो गया सिर्फ। इसमें 250 कैशबैक मिलता है तो 50 रुपीज़ हो गया। और तीसरा में 350 रुपीज़ वाला प्लान है, इसको हमने एक्टिवेट करता है तो 350 में हमारे लिए क्या होता है कि उसको 350 रुपीज़ तो उसको पे करना है और उसमें 10,000 तक का कैशबैक शॉपिंग में 5% का कैशबैक है, उसमें 500 रुपीज़ कैशबैक मिलता है। 350 रुपीज़ उसको पे कर दिया तो हमारे लिए कितना हो गया, 150 रुपीज़ मिल गया सिर्फ। इसके लिए यहाँ पर बहुत घुमा फिरा के लौटने का चक्कर कर रहा है। अगर आपने इसको यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें इसको, क्योंकि इसमें इतना टाइम पास कौन करेगा इसमें। इस एक तो ये बैंक से कोई लिंक नहीं, हम लोग को इसको यूज़ करने के लिए पहले बैंक से पैसा ऐड करना पड़ता है, उसके बाद में शॉपिंग करना है, फिर भी इतना झंझट करके कौन करेगा। इसमें चार्ज कितना कितना ले रहा है उसके लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में थोड़ा इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर पूरा आपको शो होता है, यहाँ पर पहले ये नहीं था, अब इसको ठीक से मेंशन किया है, यहाँ पे सब कुछ क्लियरली बता रहा है। अभी पहले यहाँ पे ओनली मैक्सिमम 500 करके बताया था, देखिए यहाँ पे सब कुछ बता सकते हैं, यहाँ पे बता दिया है, आप इसको पढ़ेंगे तो पूरा पता चलेगा आपको। यहाँ पे व्हाट इज़ सुपर सेवर क्या है करके सब बता रहा है, यहाँ पे 5% कैशबैक करके दे रहा है। यहाँ पर देखिए आपको किस तरह से मिलता है इसको अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर इस तरह से है देख सकते हैं आप। और यहाँ पर थोड़ा नीचे जाना है आपको, नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे बता रहा है कि इसका कैशबैक लिमिट कितना है। यहाँ पे तीनों का अलग अलग करके जो कैशबैक मिलता है दे रहा है वो यहाँ पे मेंशन कर रहा है। देखिए यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो आपने सिल्वर प्लान लेंगे तो आपको सिर्फ 125 रुपया 125 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा और गोल्ड प्लान लेते हैं तो आपको 250 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा। और आपने ये तीसरा प्लेटिनियम
प्लान को एक्टिवेट करते हैं तो 500 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा। देखिए इसमें तो 500 कैशबैक मिलेगा, लेकिन हमने इसको 350 रुपीज़ ऑलरेडी पे करना है इसको, तभी जाके ये 5% का जो कैशबैक के हिसाब से 500 रुपीज़ मिलता है। तो क्या फ़ायदा हो गया, 150 रुपीज़ हो गया सिर्फ। और गोल्ड प्लान में भी 200 रुपीज़ इसको पे करना है और ओनली हमारे लिए 50 रुपीज़ फ़ायदा हो गया। और सिल्वर में भी 125 में 100 रुपीज़ तो उसको पे करना है मंथली, और सिर्फ 25 रुपीज़ हमारे लिए फ़ायदा हो गया। इसका क्या है, कुछ भी काम का नहीं है, पूरा टोटली बकवास दिया है, अभी बेकार का ऑफर दिया है ये। इसके पहले तो 1250 कैशबैक मिलता था, उससे तो थोड़ा अच्छा था, तो उसमें कम से कम थोड़ा ज़्यादा तो मिलता था, थोड़ा टाइम वेस्ट करके उसमें करते तो थोड़ा बहुत तो कैशबैक मिलता था। लेकिन इसमें तो अभी कुछ भी फ़ायदा नहीं है, सिर्फ 25 रुपये के लिए कौन करेगा, इतना 50 रुपये मिल रहा है। और ये 350 वाला प्लान लेते हैं तो सिर्फ 150 रुपीज़ मिलता है। ये कोई बैंक से लिंक नहीं है, कुछ नहीं है। इस कार्ड को यूज़ करने के लिए हम लोग ने बैंक से एड मनी करके पैसा ऐड करके फिर इसको यूज़ करना है, ये कुछ काम का नहीं है। हम लोग से पूरा पैसा लूटने का खेल कर रहा है ये इतना वो खुद धनी वाले इतना ज़्यादा ले रहा है, तो हम लोग को इतना कम क्यों दे रहा है, कुछ भी नहीं है, सब लोग को समझने वाली बात है ये। तो इसके लिए कोई इसको एक्टिवेट करके कोई भी यूज़ मत करो, इसको कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ हमारा टाइम लॉस्ट होता है, टाइम वेस्ट है ये। तो इस तरह से यहाँ पे मेंशन कर रहा है। और कुछ भी जो भी दूसरा चीज़ आप इसमें जानना चाहोगे तो यहाँ पे पूरा मेंशन किया है, आप इसके ओपन करके पढ़ लेना, देख लेना यहाँ पे, ठीक है। और इसमें आपने एक्टिवेट किया है तो इसको अभी इसको कैंसिल करने के लिए या डीएक्टिवेट करने के लिए किस तरह से कर सकता है उसका भी यहाँ पे मेंशन किया है। देखिए यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, आउट वाइक पे माय नेक्स्ट, ये जो लिया इसके ऊपर क्लिक कर, इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे नीचे दिया है, देखिए या इसको अगर आपका प्लान एक्टिवेट है और इसको डीएक्टिवेट करने के लिए कैंसिल करने के लिए आप सोच रहे हो तो आपको अभी यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं दिया है। अभी कुछ दिन में न्यू अपडेट आएगा, उसमें न्यू अपडेट में मिलेगा करके बता रहा है, या फिर आपको अगर उसमें न्यू अपडेट में नहीं मिला तो आपका रिन्यूअल टाइम के आपको 10 डेज बिफोर यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे आपको 10 दिन पहले जब भी रिन्यूअल का टाइम आता है, मतलब कि जो अभी आपने प्लान एक्टिवेट किया है उसका लास्ट टाइम में आपको 10 डेज के पहले यहाँ पे आपको शो होता है वहाँ पे इसको कैंसिल करने के लिए या फिर रिन्यू करने के लिए। इसको इस तरह से यहाँ पे दिया है पूरा, ठीक है, पूरा देख लेना। अभी यहाँ पे जो भी है अभी सिर्फ एक्टिव करके बता रहा है, और यहाँ पे कैंसलेशन या डीएक्टिवेट का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। वो लोग बोल रहे हैं कि अभी कुछ दिन में न्यू अपडेट में मिलेगा, या फिर आपको 10 डेज के पहले जब इसका ये नेक्स्ट बिलिंग डेट है मेरा 30 नवंबर को है, मतलब कि इसके 10 दिन के पहले आसपास में यहाँ पे इसका कैंसिल करने का ऑप्शन मिलेगा इसका, ठीक है। इस तरह से इसका है, इसको कोई फ़ायदा नहीं है, इसके चक्कर में ना पड़े कोई भी, ठीक है। यही ले गया था आज के लिए, ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाला हमारा हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।